हितांशी, हितांशी। हाँ जी आई। हाँ जी बोलो। नाश्ता बना दिया मेरा? हाँ जी सब तैयार है। ठीक है। तांसी, क्या हुआ? तांसी, 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 क्या हुआ? तांसी? डर गए, डर गए। यार, ऐसा मजाक मत किया करो। तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी। अच्छा, इतने प्यार करते हो मुझसे? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा जी, कब से? जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रहने दो। क्या रहने दो, करता नहीं हूँ प्यार। इतना झूठ तो बोलो मत। अच्छा जी, तुम्हें क्या मालूम, अगर तुम एक सेकंड को भी कुछ हो जाए तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, हाँ मर जाओ फिर। मुझे मारना चाह रही हो? मारती तो रोज ही हो अपनी निगाहों से। कुछ भी, ऐसी बात मत किया करो। मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि हमें कोई अलग कर दे? कभी नहीं। तुम मुझे कभी भूलोगे कि नहीं? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं मर भी जाऊंगा ना, तुम्हें कभी भी नहीं भूलोगे। बोला ना, ये मरने मरने की बात मत करो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करता। क्यों गुस्सा हो रहे हो? टाइम देखो, अब तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? अरे क्या करूँगा ऑफिस जाके। रुको, मैं आपका लंच लेके आती हूँ। अरे इतने भी जल्दी क्या है, चली जाना। चुप रहो। अरे कहाँ रह गई, आ जाओ अब, देर हो रही है मुझे। अरे अरे बस इतना कुछ चीख रहे हो, अब तुम्हें बहुत देर हो रही है। इतनी देर से देर नहीं हो रही थी, है ना? कोई बात नहीं, तुम कहो तो ना जाऊं ड्यूटी। जल्दी जाओ, उठाओ बैग, चलो जाओ जल्दी। चलो ठीक है, जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है, आप भी ध्यान रखना अपना। और खाना खा लेना टाइम से। ध्यान से जाना, मैंने लंच रख दिया है, पूरा खत्म करना। ठीक है, बाय बाय। घर फैला हुआ, मैं जल्दी से घर का काम कर लेती हूँ। अरे निशांत, उसको आर्यन को तो फोन कर ले, ऑफिस के लिए आज जा रहा कि नहीं जा रहा, वैसे भी लेट हो रहे हैं। कर रहा हूँ यार। हेलो हेलो, आर्यन कहाँ है यार? बस आ गया, आ गया। आ जा यार, हम यहीं नीचे खड़े हैं तेरी बिल्डिंग के। अच्छा, मैं भी नीचे ही आ गया बस भाई। आ जा। निशांत यहीं खड़े हो? हाँ। तू भी यार इतना लेट हो जाओ ऑफिस चलने के लिए, तुझे पता तो आज फिर लेट हो गए हम। अरे यार क्या करूँ, तुम्हारी भाभी बस आने ही ना देती, बेचारी प्यार ही इतना करे है मेरे से। चलाओ चलते बात भाभी। चल आरी, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे किससे बात कर रहे हो? अरे किसी से नहीं, पता नहीं किससे बात कर रही है, समझ नहीं आया मुझे। वो कुछ बताया भी नहीं, बिना बताए चली गई, ऐसा तो कभी नहीं किया इसने। बस मुझे नहीं आ रहा किससे बात कर रही है, कुछ बता देंगे भाई।
किसका कॉल? ये कॉल में प्यार करता हूँ, ये मुझे धोखा दे रही है, आधी आधी रात किसी और से बात कर रही है। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ और वो मुझे धोखा दे रही है। अरे इतनी सुबह सुबह आ रही कहाँ चले गए? अभी तो 7 ही बजे। फोन करती हूँ। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? फिर लगाती। मेरा फोन काट दिया? क्या हो गया इन्हें? हेलो हेलो, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? काट क्यों रहे हो बार बार? मैं ऑफिस आ गया। ऑफिस? इतनी जल्दी क्यों? और मुझे उठाया भी नहीं आपने, बिना कुछ खाए पिए चले गए। हाँ। अच्छा, कब तक आओगे आप? फोन काट दिया?
अरे फोन क्यों काट दिया तुमने? एक बारी की समझ नहीं आ रही क्या? बार बार फोन कर रही है, जब एक बोल दिया मैं ऑफिस हूँ, अब क्या फोन मत कर दिया मुझे, फोन काट। ये इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हो गया इन्हें? मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, वो मुझे धोखा दे रही है, रात रात भर किसी और से बात कर रही है। इतनी देर हो गई, अब तक वो आए नहीं, पता नहीं कब आएंगे, सुबह के गए हुए हैं, कुछ खाया होगा या नहीं, पता नहीं इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्या कर दिया मैंने ऐसा? आ गए आप? हाँ। आप सुबह ऐसे कैसे चले गए थे बिना बताए? ऑफिस से तो गया था, बताया तो था तुझे। हाँ तो मुझे उठा देते, मैं आपके लिए लंच बना देती। मुझे नहीं खाना था लंच वंच, मुझे भूख नहीं थी। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरे से कोई गलती हुई है क्या? और कैसे बात करूं? सही तो बात कर रहा हूं। मैंने कुछ किया तो बता दूं, मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन ऐसे बात मत करो मुझसे। मेरा तो दिमाग खराब करे मत, ठीक है? वैसे ही मैं थक आया हूं। आपने कुछ खाया? मुझे नहीं खाना कुछ भी, तू खा और सो जा। गुस्सा साइड रख दो, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ, आप खाओ पहले। हूँ मैंने बोल दिया ना, मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जब भूख होगी मैं अपने आप खा लूंगा। हुआ क्या ये तो बताओ। अरे कुछ नहीं हुआ, एक बार बोल दिया, एक बार की समझ नहीं आ रही क्या? अरे सुनो तो, और क्या हो गया इनको, ऐसे क्या कर दिया मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ अब मैं, कौन सी गलती करती मैंने पता नहीं, और मुझे बता भी नहीं रहे हैं। इतनी रात हो गई, ये बाहर कर क्या रहे हैं, इनको देख कर आती हूँ। अरे इतनी रात हो गई, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें सोना नहीं है क्या? मैं सोऊं ना सोऊं तुझे उससे क्या, जा जाके सो जा। तुम कैसे बात कर रहे हो, सुबह ड्यूटी भी जाना है, चलो सो जाओ। आ जाओ। कैसी क्या सही बातें कर रहा हूँ, मेरा दिमाग तो खराब करे मत, जा जाके सो जा आराम से, जब मेरा मन करेगा मैं सो जाऊंगा, जा। यार ऐसे मैंने क्या कर दिया जो मुझसे इतना गुस्सा है, ना इन्हें रात में खाना खाया, ना ऑफिस खाना ले गए, मैं कुछ बनाती तो वो खाते नहीं हैं, मुझसे हिदों में बात भी नहीं करते हैं, कौन सी गलती हो गई मुझसे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब मैं। अरे इस टाइम कौन है? अरे अंजलि तुम? हाँ हाय गीता अंजलि, कैसी हो तुम? हेलो मैं अच्छी हूँ, चलो अंदर चलो आओ। हाँ ठीक है, बैठो बैठो। हाँ और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? यार तुमसे क्या छुपाना, आजकल पता नहीं आर्यन मुझसे बात ही नहीं करते ठीक से, मैं कुछ खाना बनाती हूँ वो खाते ही नहीं है, मुझसे सीधे मुँह बातें नहीं करते, पहले सब ठीक चल रहा था, पता नहीं तीन चार दिन उसे क्या हो गया है, मैंने कौन सी गलती कर दी या मुझसे कौन सी गलती हो गई ऐसी कि
कि वो मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अब उनसे पूछती हूँ तो वो बताते भी नहीं है कि आखिर मैंने किया ही क्या है, क्या किया है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो तुझसे बहुत प्यार करते थे। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है उनके दिमाग में। हितांशी एक बात बोलूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो। नहीं बुरा नहीं मानूंगी मैं। ये आदमी सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। अंजलि मैं कुछ समझी नहीं, तुम बोलना क्या चाहती हो? हितांशी मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो उनका पक्का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है वो कैसे हैं। ठीक है ऐसे मत बोलो तुम, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता था तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन मेरा तो फ़र्ज़ था तुझे बोलना, वो मैंने बोल दिया। अब तू विश्वास कर या ना कर, तेरी मर्जी। नहीं नहीं अंजलि, मुझे इन पर पूरा विश्वास है, वो मेरे को धोखा नहीं दे सकते। चल ठीक है हितांशी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी, अब मैं चलती हूँ यार, मुझे कुछ काम है। ठीक है चल ठीक है। ठीक है बाय बाय। चल टेक केयर। कहीं अंजलि सही तो नहीं कह रही थी, कहीं इनका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। नहीं मैं ये नहीं मानती, ये मेरा वहम है बस। कुछ दिन की बात है, सब फिर ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि ऑफिस की टेंशन हो इसलिए वो ऐसे कर रहे हो। यही होगा। अरे आ गए आप, ये लो पानी पी लो। पियो। वो मैं कह रही थी क्या आज हम बाहर खाना खाने चले, मेरा बहुत मन कर रहा है। नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, घर में बना और खा। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पहले जब मैं आपको बोलती थी कि मुझे घूमने जाना है तो आप मुझे घुमा के लाते थे, मैं बोलती थी मुझे खाना खाना है बाहर तो आप मुझे खाना खिलाने ले जाते थे, लेकिन अब तो आप पूरे चेंज हो गए हो, क्या हो गया आपको मुझे बताओ। जब मैंने एक बार बोल दिया नहीं जाना बाहर कहीं भी। क्यों नहीं जाना? मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम पता नहीं क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। मैंने किया क्या है, क्या गलती है मेरी, बताओ तो सही मुझे। क्या बताऊँ, मेरे साथ जाके करेगी क्या तू? अपने उस यार के साथ जा जिससे पूरी पूरी रात फोन पे बात करती है, मैंने सब देख लिया है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पूरा पूरा अंदाजा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब भोली बनने का मेरे सामने नाटक मत कर। आर्यन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आर्यन तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या बोला है? जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। कौन है वो जिसका नंबर तूने बेबी नाम से सेव कर रखा है, पूरी पूरी रात उससे बात करती है और मुझे यहाँ पागल बना रही है, मुझे धोखा दे रही है। अच्छा तो ये बात है, तुम्हें पता भी है बेबी नाम से इसका नंबर सेव है वो कौन है? कौन है वो बता। वो तुम्हारी बहन है, उसे कोई लड़का परेशान कर रहा था इसलिए उसने मुझसे बात की कि दीदी ये सब बात है, उसने मना किया कि भाई को मत बताने के लिए मेरे, इसलिए मैंने तुमसे छुपाई ये बात। देख सुन, अपनी हरकतें छुपाने के लिए ना मेरी बहन के ऊपर इल्जाम मत लगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा आज। अच्छा ये लो कॉल करके खुद ही देख लो। ला मैं भी देखता हूँ आज, रुक कर रहा हूँ फोन, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। This call is now being recorded. This call.
हाँ भैया भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, ये तेरा नंबर है? हाँ भैया मेरा नंबर है। चल ठीक है बहन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। बस मिल गई तुम्हें शांति? दिख गया किसका नंबर है वो? जानसी मुझे माफ कर दो, मैं गलत फहमी में इतना खो गया था कि मैं तुम पे शक कर बैठा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आर्यन, आर्यन ये हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती, समझे? जानसी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरे ऊपर शक करा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कोई नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। तानसी मैं आगे से कभी भी तुझ पे शक नहीं करूँगा, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।